नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू व्हाट व्हाई एंड इफ इनके क्या क्यों। और यदि मैं कमलेश खोलिया आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को वॉलेट एप्लीकेशन के एक ऐसे अपडेट बताने जा रहा हूं जो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही अच्छे गुड न्यूज है। और दोस्तों, अगर आप एक वॉलेट यूजर है तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि दोस्तों ये अपडेट आप सब वॉलेट यूजर्स के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाली है। तो दोस्तों, अगर आप एक वॉलेट यूजर है तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिए। ये जो अपडेट आई है इसका काफी लोगों को, काफी वॉलेट यूजर को जो है काफी समय से इंतजार था। फाइनली ये अपडेट वापस आ चुकी है, जैसा कि थंबनेल आप देख के समझ चुके होंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे अब मैं आप लोगों को एप्लीकेशन को ओपन करके इस अपडेट के बारे में सारी डिटेल बता देता हूँ। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जिन लोगों ने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जो इस रेड बटन के आइकन पे क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ इस बेल के आइकन पे भी क्लिक कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों को वॉलेट एप्लीकेशन की ये अपडेट बता देता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप प्ले स्टोर पे जाकर के अपना वॉलेट एप्लीकेशन जो है अपडेट कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप इस अपडेट का फायदा उठाना चाहते हो तो आपका वॉलेट एप्लीकेशन एकदम अपडेटेड होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपडेट कर लीजिए, उसके बाद में सिंपली यहाँ पे मैं ओपन पे क्लिक करके इसे ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा वॉलेट एप्लीकेशन जो है ओपन हो चुका है। अब जो व्यूअर्स इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और नहीं जानते हैं कि वॉलेट एप्लीकेशन क्या है, तो दोस्तों इनके लिए मैं 2 मिनट सिंपली बता देता हूँ। तो दोस्तों, वॉलेट एप्लीकेशन एक अर्निंग एप्लीकेशन है। यहाँ से आप जो है अच्छा खासा पेटीएम कैश अर्निंग कर सकते हो। अगर आप इस वॉलेट एप्लीकेशन से अर्निंग करना चाहते हो तो दोस्तों, इसके लिए मैं आपको ऊपर आई बटन में एक लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जो वीडियो मिलेगा उसको देख करके आप सीख सकते हो कि इस एप्लीकेशन से अर्निंग कैसे करते हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, तो आप ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अगर आप एक न्यू यूजर है और नहीं जानते हैं वॉलेट एप्लीकेशन से पैसे कैसे कमाते हैं, तो आप ये वीडियो देख लीजिए, एकदम जेन्युइन एप्लीकेशन है। यहाँ से आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। और इस वीडियो को आप आगे देखते रहिए, यहाँ पे मैं लाइव आप लोगों को पेटीएम ट्रांसफर भी करके दिखाने वाला हूँ, यानी कि पेटीएम में पैसे भेज करके भी दिखाने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं वॉलेट यूजर्स को बता देता हूं कि ये कौन से न्यू अपडेट है। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता होगा, जिसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो भी बना दिया था, कि वॉलेट एप्लीकेशन में जब से ये शॉपिंग वाली अपडेट आई है उसके बाद से जो है यहां से जो विड्रॉल के ऑप्शन थे, यानी कि पेटीएम का और बैंक का, वो दोनों ऑप्शन हटा दिए गए थे और वहां पे सिर्फ और सिर्फ शॉपिंग का रह गया था कि आपको शॉपिंग करनी है और शॉपिंग करके ही आप अपना बैलेंस को जो है यूज कर सकते हो। यानी कि अगर मैं मान लीजिए यहां पे माय बैलेंस पे क्लिक करता हूं, तो दोस्तों यहां पे देखिए, जैसे कि मेरे पास अभी 1229 रुपए है। अगर मैं इनको रिडीम करना चाहता हूं तो सिंपली मैं रिडीम के बटन पे क्लिक करूंगा, तो दोस्तों यहां पे हमारे पास पहले यही ऑप्शंस आ रहे थे कि हम शॉपिंग कर सकते थे या फिर हम डीटीएच प्रीपेड या डाटा कार्ड रिचार्ज कर सकते थे। और शॉपिंग की यहां पे बात की जाए तो दोस्तों काफी महंगे-महंगे प्रोडक्ट्स थे और यहां पे गिफ्ट वाउचर भी आप जो खरीद सकते थे। तो दोस्तों ये अपडेट पहले थी, पर दोस्तों यहां पे वापस से पेटीएम का ऑप्शन आ चुका है, पर दोस्तों यहां पे बैंक का ऑप्शन अभी भी नहीं आया है, क्योंकि दोस्तों ये जो अपडेट ये लेके आए थे जब इन्होंने सिर्फ और सिर्फ रिचार्ज और शॉपिंग और वाउचर्स के ऑप्शन रखे थे, तो काफी यूजर्स जो है कम हो गए थे इनके। प्ले स्टोर पे अगर आप जाके देखोगे तो इतना नेगेटिव रिव्यू इनको शायद कभी नहीं मिला होगा। मेरे खुद के जो है यूजर्स इतने ज्यादा कम हो जाएंगे मैंने कभी यकीन नहीं किया था। मेरे को डेली का करीब 30 रुपए पर डे आते थे और वो अचानक से जो है 8 रुपए पर डे हो गए। तो दोस्तों इतने ज्यादा यूजर्स कम हुए, इनको लगा काफी यूट्यूबर्स ने वीडियो बनाया तब जाके इनको लगा होगा कि वापस से पेटीएम या बैंक का ऑप्शन देना चाहिए। तो यहाँ पे पेटीएम का ऑप्शन तो दे चुके हैं, पर बैंक का ऑप्शन इन्होंने अभी तक नहीं दिया है। और यहाँ पे पेटीएम का ऑप्शन दिया है वो भी कुछ टर्म एंड कंडीशंस के साथ में दिया है, कि यहाँ पे आप जो है पूरा पैसा एक साथ में नहीं निकाल सकते। बैंक में आपको पता है कि आप पूरा पैसा एक साथ निकाल सकते थे, पर यहाँ पे पेटीएम में आप पूरा पैसा नहीं निकाल सकते। कितना पैसा निकाल सकते हो वो मैं आप लोगों को लाइव करके दिखाने वाला हूँ। तो वो जो अपडेट थी वॉलेट की तरफ से, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ शॉपिंग और रिचार्ज और वाउचर्स की अपडेट थी, वो काफी नुकसान रही वॉलेट के लिए, इसलिए वापस से पेटीएम का ऑप्शन लेके आ चुके हैं। और यही खुशखबरी है, यही गुड न्यूज है आप सभी लोगों के लिए, कि अब आप वापस से जो है पेटीएम कैश यहाँ से अर्निंग कर सकते हो, क्योंकि वॉलेट एप्लीकेशन की ये अपडेट वापस से आ चुकी है, जहाँ पे अब आप जो है पेटीएम में अपने पैसे भेज पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे ही अपन रिडीम के बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ ये ऑप्शंस निकल के आते हैं, जहाँ पे रिचार्ज भी आप कर सकते हो, शॉपिंग भी कर सकते हो, वाउचर भी, और यहाँ पे पेटीएम का ऑप्शन भी दिख जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे सिंपली मैं पेटीएम के ऑप्शन पे क्लिक करके अपने पैसे निकाल लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे सिंपली मैं पेटीएम के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ, उसके बाद में सिंपली मुझे अमाउंट डालनी है और पासवर्ड डालने हैं और सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान रहे, मैं आपको बता दूं पहले ही, आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक दिन में मिनिमम 25 रुपए निकाल सकते हो, जी हाँ, और उस पे आपका 2.5 रुपए चार्ज लगेगा, यानी कि 22.5 रुपए आपके पेटीएम अकाउंट में चले जाएंगे। फिलहाल वॉलेट एप्लीकेशन ने यही अपडेट जारी की है, जहाँ पे पेटीएम के अंदर आप मिनिमम 25 रुपए निकाल सकते हो। पहले आप इस एप्लीकेशन के जरिए मिनिमम 100 रुपए भी निकाल सकते थे, पर यहाँ पे मिनिमम अमाउंट जो अभी निकाल सकते हो वो ओनली 25 रुपए है। मैं काफी बार ट्राई करके देख चुका हूँ, तो ओनली 25 रुपए फिलहाल आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो चलिए मैं आप लोगों को लाइव जो है निकाल के दिखा देता हूँ। तो सिंपली यहाँ पे मैं डाल लेता हूँ 25 रुपए, उसके बाद में यहाँ पे मैं डाल लेता
हूँ पासवर्ड और उसके बाद में सिंपली मैं क्लिक कर देता हूँ सबमिट के बटन पे। ठीक है, तो जैसे मैं सबमिट के बटन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आप देख लीजिए कंफर्मेशन मुझसे मांगा जा रहा है। मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ, आई कंफर्म, और उसके बाद में कैश पे क्लिक करता हूँ, कैश आउट पे क्लिक करता हूँ, तो ये पैसे मेरे पेटीएम अकाउंट में चले जाएंगे और मैं अपना पेटीएम अकाउंट पे लाइव ओपन करके अभी आप लोगों को दिखा देने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैं कैश आउट पे क्लिक कर दिया हूँ, उसके बाद में देखिए ये जो है सक्सेसफुली भेजे जा चुके हैं। अब मैं आप लोगों को मेरा पेटीएम अकाउंट ओपन करके भी दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपना पेटीएम अकाउंट ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले होम बटन क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे अपना पेटीएम अकाउंट जो है ओपन कर चुका हूँ। दोस्तों यहाँ पे ये मैं अपना पेटीएम अकाउंट ओपन कर चुका हूँ, उसके बाद में सिंपली पासबुक पे मैं क्लिक करता हूँ और दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे पेटीएम में जो है 48 रुपीज है, पेटीएम वॉलेट में 48 रुपीज है। तो इसके ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ और देखते हैं कि इसमें हमारे पास 22.5 रुपए आए हैं क्या। तो दोस्तों यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो 22.5 रुपए, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया 2.5 रुपए चार्ज लगते हैं ट्रांजेक्शन चार्ज। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है वन एड एप्लीकेशन वन एड पेमेंट और 22.5 रुपए हमारे पेटीएम अकाउंट में जो है आ चुके हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप भी अपना वन एड एप्लीकेशन का पैसा अब जो है आप सीधा पेटीएम अकाउंट में ले सकते हो। और यहाँ पे ये मैं वन एड एप्लीकेशन पे वापस से आ चुका हूँ। और दोस्तों यही अपडेट थी जो मुझे आप लोगों को बतानी थी कि यहाँ से अब आप पेटीएम का ऑप्शन यूज करते हुए अपने पैसे को निकाल सकते हो और वापस से आप यहाँ पे काम कीजिए। जितने ज्यादा यूजर्स कम हुए हैं वो मुझे पता है कितने ज्यादा यूजर्स कम हुए हैं, मेरे खुद के भी काफी बहुत से यूजर्स कम हुए हैं। तो दोस्तों आप यकीन रखिए कोई भी एप्लीकेशन अपना मार्केट में अपना वैल्यू बनाए रखने के लिए ऐसी अपडेट लेके आनी ही पड़ती है, क्योंकि आफ्टर ऑल यूजर्स ही सब कुछ होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे वन एड भी वापस से पेटीएम का ऑप्शन लेके आ चुका है, जो कि आप सभी लोगों के लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है। अब आप यहाँ से अर्निंग कर सकते हो। और दोस्तों जो लोग न्यू यूजर है, जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनको मैं बता दूं दोस्तों आप जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पे क्लिक करके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहां पे आपको एक रेफरल कोड भी मिलेगा। वो रेफरल कोड आपको जो है साइन अप करते टाइम पे यूज करना है, तो वो रेफरल कोड भी जरूर यूज कीजिएगा। एप्लीकेशन से कैसे अर्निंग करनी है, कैसे काम करना है, क्या प्रोसीजर है, उसके लिए आप लोगों को ये वाली वीडियो देख लेनी है, जो कि ऊपर आई बटन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो दोस्तों अब मैं जो अगला वीडियो अपलोड करने वाला हूँ एक दो दिन में, वो मैं लोकल एड्स के ऊपर करूंगा, यानी कि जो वन एड एप्लीकेशन की जो लोकल एड्स होती है वहां पे क्या सच में आपको फायदा होता है। जो मैंने एड्स लगाई थी, आपको पता ही होगा मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पे मैंने एड लगाना आपको सिखाया था, लोकल एड आप कैसे लगा सकते हो वन एड एप्लीकेशन पे। तो दोस्तों क्या उससे सच में फायदा होता है और मुझे फायदा हुआ है, तो वो मैं आप लोगों को वीडियो बना के शेयर करूंगा और कितना ज्यादा आपको जो है यहाँ से फायदा मिलता है वो सारी चीजें आपको उस वीडियो में शेयर करूंगा। फिलहाल किस वीडियो में तो मुझे आप लोगों को इस अपडेट के बारे में बताना था जो कि वन एड एप्लीकेशन तरफ से आ रही थी। मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो और ये अपडेट बहुत ही पसंद आई होगी। तो बस दोस्तों फिलहाल किस वीडियो में तो इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, सो टिल देन डू व्हाट अ नोबल सेल डज, मेंटर डिफरेंस एंड ट्रांसफर दिस नॉलेज टू अनदर सेल। बाय बाय।